हमारे बीच में मंत्री होते हैं, बहुत ही सम्मानित हमारे विधायक मैंने दिलीप राव जी, मैं पार अवतार बनाया गया है जो भी उनको भेंट करेंगे सम्मान करेंगे। आप भी यहां पर आ रहे हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हो सुपर वीरू ब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ पे देहरादून में सरस मेला लगा हुआ है रेंजर ग्राउंड में, और सरस मेला 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 18 से लेके 22 23 24 तक ये सरस मेला लगभग चलता रहेगा। और यहाँ पे काफ़ी स्टॉल वगैरह लगे हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो सुबह से शाम तक यहाँ पे मेला लगा रहता है और रात का प्रोग्राम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन से प्रोग्राम किस दिन है वो सारी चीज़ें मैं जो बोर्ड पर लिखा होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल लगे हुए थोड़ा देख लेते हैं, और आप जरूर आइएगा देहरादून के सरस मेले में। सरस मेला लगा हुआ है देहरादून के रेंजर ग्राउंड में, रेंजर ग्राउंड में सरस मेला लगा हुआ है और काफ़ी लंबे समय तक है क्योंकि त्योहारों का सीज़न है, दीपावली का सीज़न है और धनतेरस वगैरह भी आने वाला है। तो इस महीने लगभग काफ़ी त्यौहार वगैरह भी आ रहे हैं और इस टाइम पर काफ़ी मेले भी आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिए आप सुपर वीरू ब्लॉग के साथ। और दोस्तों आप देख सकते हो देहरादून के सरस मेले में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और देहरादून का रेंजर ग्राउंड जहाँ पे है ये रेड ग्राउंड के पीछे की तरफ है, जैसे आप तिब्बती मार्केट जाते हो तिब्बती मार्केट के ठीक पीछे को रेंजर ग्राउंड से वहाँ पे ये मेला लगा हुआ है देहरादून का सरस मेला। और ये मेला 27-28 तारीख तक लगेगा, 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और शाम के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है, और शाम के टाइम पे यहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं तो लोगों की भीड़ भी यहाँ पे लगी रहती है। कई लोग यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो काफ़ी स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, पहाड़ों से जो दाल भी आ रखी है और चीज़ें भी आ रखी जो पहाड़ी चीज़ें हैं, तो पहाड़ी चीज़ें काफ़ी लेके आ रखी हैं। यहाँ पे उड़ीसा से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और यूपी से भी आए हुए, देहरादून से भी हैं, तो काफ़ी जो चीज़ें हैं खाने पीने की चीज़ें हैं और पहनने की चीज़ें हैं
सूट्स वगैरह भी यहाँ पे आए हुए हैं और दाल वगैरह भी यहाँ पे आए हुई है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे आओगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएगी, अलग अलग स्टॉल लगे हुए पूरे उसमें घूम सकते हो। तो देवभूमि उत्तराखंड से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे आ रखी हैं। तो अलग अलग टाइप के चीज़ें हैं, तो सरस मेला में ज़रूर आइएगा, आप लोगों का स्वागत है देहरादून के सरस मेला में। तो कल संडे है तो संडे के दिन भी आप लोग आ सकते हो, और यहाँ पे हर दिन मेला लगा हुआ है। तो बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके आ सकते हो आप देहरादून के सरस मेले में। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो जैसे जैसे शाम का टाइम पे हो रहा है तो शाम के टाइम पे भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह भी होंगे, तो देखते हैं प्रोग्राम कितनी देर तक होते हैं। लगभग बोल तो रहे थे कोई कि प्रोग्राम जो होंगे वो प्रोग्राम 9-10 बजे तक यहाँ पे चलेंगे। तो आगे का जो भी होगा, कौन से दिन कौन सा सिंगर आता है, तो मैं बोर्ड पे आपको दिखा दूंगा कौन से दिन कौन सा सिंगर आएगा यहाँ पे। तो आप ज़रूर आइएगा सरस मेला में, आप सभी का स्वागत है।
ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सरस मेला 2004 के आज दिव्य दिवस पर हमारे मध्य उपस्थित बहुत ही सम्मानित सनामधन्य आध्यात्मिक गुरु और लेंसी गांव क्षेत्र से विधायक आदरणीय मैम दिलीप रावत जी, और सरस मेला जिनके नेतृत्व में टीम के रूप में हम सभी काम कर रहे हैं, बहुत ही आदरणीय परम सम्मानित हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय और उनके साथ में टीम के रूप में काम कर रहे हमारे परियोजना निदेशक अभी चल रहा है क्योंकि काफी टाइम भी हो चुका है और हमें जाना भी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंतजार कीजिएगा मेरी आने वाली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।